जी सर में सभी बच्चे लाइव आ जाएं और तुरंत वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे बच्चे, सभी लोग लाइव आ जाएं। एंड गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है बच्चों, एक बार ज़रूर कमेंट करेंगे। सभी बच्चे तुरंत लाइव आ जाएं और पढ़ाई कैसी चल रही है कमेंट कर देंगे एक बार। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर बिना देर किए। निम्नलिखित में से कौन सी जल से जल में घुलनशील विटामिन का उदाहरण है बच्चों? हलवा वाला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन का उदाहरण कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन के? और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वन का ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों। ठीक है, विटामिन सी इज द राइट। विटामिन सी बच्चों होती है, ये जल में घुलनशील विटामिन होती है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, और ये मैंने कितनी बार बताया बच्चों कि कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील विटामिन का उदाहरण नहीं है बच्चों? वेरी इजी प्रश्न। ए, डी, ई, के, ये जो है बच्चों ये सभी के सभी वसा में घुलनशील विटामिन है। किसमें बच्चों? वसा में घुलनशील विटामिन है, जबकि बी और सी बच्चों जल में घुलनशील विटामिन होती है। ठीक है, बी और सी बच्चों जल में घुलनशील विटामिन है, जबकि ए, डी, के वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, विटामिन ई का दूसरा नाम क्या है? विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है? रेटिनोल, टोकोफेरोल, स्कर्वी या पायरी डॉक्सिन? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों थ्री का ऑप्शन थ्री, सॉरी ए, ऑप्शन ए इज द राइट। रेटिनोल, रेटिनोल इज द राइट आंसर। विटामिन ए का बच्चों दूसरा नाम है रेटिनोल। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, विटामिन ई का दूसरा नाम क्या है? विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है बच्चों? ई का, सॉरी बच्चों ई का, रेटिनोल, टोकोफेरोल, स्कर्वी या पायरी डॉक्सिन? वेरी इजी प्रश्न बच्चों, क्योंकि इसके बारे में मैं कई बार बता चुका हूं आप सभी को। इसका एक फॉर्मूला भी शॉर्ट फॉर्म में हमने आपको बताया बच्चों, अगर आपने ध्यान रखा होगा तो बहुत ईजिली आप कर पाएंगे। और इस राइट आंसर हो जाएगा बच्चों फोर का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों। टोकोफेरोल हमने क्या समझा था बच्चों? रथ एक टॉफी हमने समझाया था, जिसमें र से हमने र मतलब हो गया बच्चों रथ, र र र मतलब हो गया बच्चों ए, र को हमने ए लिया है, यानी पहला है तो इसको हम ए लेंगे, और ए मतलब क्या होगा बच्चों ऐसे ले लेते हैं, हम र को यहाँ लेते हैं, ए हो गया, ए मतलब र होगा, र मतलब रेटिनॉल, रेटिनॉल हो जाएगा, थ मतलब बी हो जाएगा, और थ से क्या हो जाएगा थायमीन, ए मतलब सी हो जाएगा, और सी से क्या, सॉरी ए मतलब सी, और ए से क्या हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, कॉ मतलब हो जाएगा डी, और डी से क्या बनेगा यानी कॉ से क्या बनेगा कैल्सिफेरॉल, ई से, ई मतलब हो जाएगा बच्चों टी, यानी टी को हम ई से ले लेंगे, और ई मतलब क्या होगा यानी टी मतलब टोकोफेरॉल, और एफ से हो जाएगा बच्चों फिलोक्सी क्विनोन। रथ एक ट्रॉफी, ठीक है, इसको हमने ए लिया, इसको हमने बी लिया, इसको हमने सी लिया, इसको हमने डी बनाया, इसको ई बनाया, और इसको बना दिया के, र से हो जाएगा ए, और इसका मतलब हो जाएगा रेटिनॉल, बी से हो जाएगा था है इसमें तो थायमीन, सी मतलब ए, ए से हो जाएगा एस्कॉर्बिक, डी मतलब क से हो जाएगा कैल्सिफेरॉल,
ई मतलब टी, टी से हो जाएगा टू को फिर, और के मतलब एफ यानी फी, और इससे हो जाएगा फीली क्यूनोन। राइट आंसर क्या हो जाएगा फोर का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों फाइव का ऑप्शन सी, इसका और भी कम, विटामिन सी का भी हमने ऊपर ही देखा था। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, विटामिन बी सिक्स को इस नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से बच्चों? विटामिन बी सिक्स को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी, पायरीडॉक्सिन। पायरीडॉक्सिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्काकरण में सहायक है? फोर्टी क्वेश्चन है बच्चों। राइट आंसर जाएगा सेवन का ऑप्शन डी, विटामिन के। विटामिन के इज द राइट आंसर बच्चों। अभी हमने पहले वाली क्लास में भी देखा था, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वनस्पति भोजन से आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वनस्पति भोजन से आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के? राइट आंसर हो जाएगा एट का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों, विटामिन सी। विटामिन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ विटामिन ए का स्रोत है? कौन सा खाद्य पदार्थ बच्चों विटामिन ए का स्रोत है? हरे और पीले फल, हरी और पीली सब्जियां, चीज या उपयुक्त सभी? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों नाइन का ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट, ऑल ऑफ द एवा बच्चों, ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, विटामिन बी टू को इस नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से बच्चों? वेरी इजी प्रश्न, बी टू का दूसरा नाम क्या है? नियासिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन या पायरीडॉक्सिन? नियासिन का दो हो गया, एक को तो काट दो बच्चों, नियासिन हो जाएगा, नियासिन लिखा गया है, नियासिन। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डेट 10 का ऑप्शन बी, राइबोफ्लेविन। बी टू को बच्चों राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। निकोटीन एसिड को इस नाम से भी जाना जाता है, निकोटिनिक एसिड का दूसरा नाम क्या है बच्चों? थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन या पायरीडॉक्सिन? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 11 का ऑप्शन सी, नियासिन इज अ राइट आंसर बच्चों। ठीक है, निकोटिनिक एसिड को बच्चों नियासिन के नाम से जाना जाता है, और काफी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर भी किया बच्चों। पेलेग्रा किसकी कमी से होता है? पेलेग्रा किसकी कमी से होने वाला रोग है बच्चों? थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन या पायरीडॉक्सिन? ओके शिखर भारद्वाज जी, प्लेग्रा किसकी कमी से बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन बी, नियासिन की कमी से बच्चों। प्लेग्रा जो है नियासिन की कमी से। और नियासिन किस विटामिन का नाम है बच्चों? कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखोगे, नियासिन किस विटामिन का केमिकल नेम है? किस रोग को 3D द्वारा लक्षणित किया जाता है यानी पहचाना जाता है? प्लेग्रा, बेरी बेरी, स्कर्वी या मुखसूत? स्टोमाइटिस, स्कर्वी, बेरी बेरी या पेलेग्रा? राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों। पेलेग्रा की पहचान 3D के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, अतिसार यानी डायरिया, मनोभ्रंश, डायमेंशिया और त्वचा सूत किस रोग के लक्षण है? डर्मेटाइटिस किस रोग के लक्षण है बच्चों? तीनों, पेलेग्रा, बेरी बेरी, स्कर्वी या मुखसूत? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 14 का ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट, पेलेग्रा। पेलेग्रा इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसकी कमी से
गलगंड नामक रोग हो जाता है? निम्नलिखित में से किसकी कमी से गलगंड नामक रोग हो जाता है बच्चों? कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन या आयोडीन? और राइट आंसर हो जाएगा इसका बच्चों ऑप्शन डी, आयोडीन की कमी से बच्चों, आयोडीन की कमी से, जिसे घेंगा रोग भी बोलते हैं बच्चों आम भाषा में, घेंगा रोग बच्चों, ठीक है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। एक वयस्क व्यक्ति में लगभग कितना सोडियम पाया जाता है? 100 ग्राम, 250 ग्राम, 400 से 500 ग्राम या 500 से 1000 ग्राम? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए, 100 ग्राम बच्चों। एक वयस्क व्यक्ति में लगभग बच्चों 100 ग्राम आयोडीन, सॉरी सोडियम पाया जाता है। एक वयस्क मानव में लगभग कितना पोटेशियम होता है? वयस्क मानव में लगभग कितना पोटेशियम होता है? 100 ग्राम, 250 ग्राम, 400 से 500 ग्राम या 500 से 1000 ग्राम? और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 17 का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट, 250 ग्राम बच्चों, ठीक है। एक वयस्क मानव में लगभग 250 ग्राम पोटेशियम पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, एक वयस्क व्यक्ति में लगभग कितना फास्फोरस होता है? वेरी इजी प्रश्न है बच्चों और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट ऑल्सो। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 18 का ऑप्शन सी, 400 से 700 ग्राम बच्चों, ठीक है, 400 से 700 ग्राम एक वयस्क व्यक्ति में फास्फोरस बच्चों पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से मेगोलोब्लाइटिस एनीमिया हो जाता है? मेगलोब्लास्टिक बच्चों, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया किसके कमी से हो जाता है? विटामिन B6, फोलिक एसिड, नियासिन या विटामिन B2? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट, फॉलिक एसिड बच्चों, ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी चावल खाने वाले की बीमारी मानी जाती है? बेरी बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स या पेलेग्रा? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 20 का ऑप्शन ए, बेरी बेरी इज द राइट आंसर बच्चों, ठीक है। बेरी बेरी जो रोग होता है बच्चों वो चावल खाने वाले व्यक्तियों में ज्यादातर देखा जाता है, इसलिए चावल खाने वालों की बीमारी के नाम से इसे जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विटामिन सी का है? यह भोजन से आयरन के अवशोषण में सहायता करता है, यह घाव को भरने में सहायता करता है, यह एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है या उपरोक्त सभी? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 21 का ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट, उपरोक्त सभी बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन स्टीरॉयड हार्मोन की तरह कार्य करता है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन स्टीरॉयड हार्मोन की तरह कार्य करता है? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन डी या विटामिन सी? और राइट आंसर जाएगा 22 का ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों, विटामिन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। विटामिन डी स्टीरॉयड हार्मोन की तरह भी बच्चों कार्य करता है। रेटिनोइक एसिड जो कि एकीन में उपयोग किया जाता है पिंपल्स में, वह है बच्चों विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन सी, सॉरी विटामिन ई। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी, यानी विटामिन ई इज द
राइट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे। निम्नलिखित में से किस विटामिन के अधिक लेने से संग्रहण के कारण हो जाता है? हाइपर विटामिनोसिस बच्चों, हाइपर विटामिनोसिस किसके संग्रहण के कारण हो जाता है? विटामिन सी, विटामिन ए राइबोफ्लेविन, या ऑप्शन डी फॉलिक एसिड। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी, विटामिन ए इज द राइट आंसर बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे। लड़कों में निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व समान उम्र की लड़कियों के तुलना में अधिक आवश्यक होती है? लड़कों में निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व समान उम्र की लड़कियों की तुलना में अधिक आवश्यक होती है? कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन या विटामिन ए? राइट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट, प्रोटीन। लड़कों में बच्चों विटामिन सॉरी प्रोटीन के कारण लड़कियों की तुलना में अधिक आवश्यक हो जाती है बच्चों, लड़कियों की तुलना में अधिक आवश्यकता होती है लड़कों को। गर्भ के दौरान भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं लेने पर क्या होगा? बस बच्चों थोड़े प्रश्न और हैं, अपने नेट को बचा कर रखो। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? और ऑप्शन डी इज अ राइट, उपर्युक्त सभी बच्चों। गर्भ के दौरान भोजन में पर्याप्त मात्रा में बच्चों न लेने पर अपरिपक्व बच्चे का जन्म हो जाता है, या हो सकता है बच्चे का वजन कम रह सकता है, गर्भ के अंदर बच्चे की वृद्धि भी प्रभावित हो सकती है, रुक सकती है। दोनों लिंगों में निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की आवश्यकता काम का वजन बढ़ने के साथ साथ नहीं बढ़ती है? काम बढ़ने के साथ साथ कौन सा नहीं बढ़ता है बच्चों? नियासिन, थायमिन, राइबोफ्लेविनिया, फॉलिक एसिड। जी नेहा, पढ़ रहे हैं आपका कमेंट। आंसर क्या बच्चों? दोनों लिंगों में निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की आवश्यकता काम का वजन बढ़ने के साथ नहीं बढ़ती है? राइट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन डी, फॉलिक एसिड बच्चों, फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड इज द राइट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। ब्रेस्ट मिल्क के बारे में कौन सा कथन सही है? यह शिशु की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सभी पोषक तत्व प्रदान करता है, यह संक्रमण को रोकने का गुण रखता है, यह एलर्जी को रोकने का गुण रखता है, यह ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही है बच्चों। राइट आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट, उपरोक्त सभी सही है बच्चों, ऑप्शन डी इज द राइट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कोष्ठम संक्रमण के विरुद्ध प्रतिपिंड प्रदान करता है, जब किसी कभी बच्चा भूखा हो तो भी स्तनपान कराना चाहिए, स्तनपान कराने से औरत में स्तन कैंसर हो सकता है, या स्तनपान गर्भाशय के समान इनवैल्यूएशन में सहायता करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असत्य कथन के बारे में बताना है बच्चों, तो दूध पिलाने से बच्चों स्तन कैंसर का खतरा बिल्कुल भी नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। व्यक्तियों के पोषण स्तर का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? व्यक्तियों के पोषण स्तर का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? शारीरिक संरचना मापन, क्लिनिकल परीक्षण, सामाजिक आर्थिक मूल्यांकन और विटोर स्टैटिस्टिक्स, या उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी बच्चों, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे।
मानव शरीर में पाए जाने वाले मिनरल्स की कुल संख्या कितनी होती है बच्चों? मानव शरीर में पाए जाने वाले कुल मिनरल्स की संख्या कितनी होती है? 21, 22, 24 या 23? राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों, सी हो जाएगा, यानी 23 होती है बच्चों। ऑप्शन सी इज द राइट, ये सी डी ऊपर हो गया, ध्यान रखना बच्चों, सी इज द राइट, सी ए है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, भारत में लेथराइज्म से प्रभावित राज्य कौन सा है? लेथराइज्म से प्रभावित राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या ये सभी? राइट आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन डी, ये सभी बच्चों। लेथराइज्म से प्रभावित राज्य बिहार भी है, उत्तर प्रदेश भी है और मध्य प्रदेश भी है बच्चों। बालाहार का विकास निम्न में से किस संस्थान द्वारा किया गया? एनआईएन हैदराबाद, सीएफटीआरआई मैसूर, आईसीएनआर दिल्ली, दिल्ली बच्चों हो जाएगा, या दिल्ली हो जाएगा, या आईएफआरआई। ऐसे करें बच्चों, और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट, CFTRI, यानी सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर बच्चों, मैसूर इज द राइट, कर्नाटका में है मैसूर। मैसूर की लड़ाई सुने होंगे ना बच्चों, अंग्रेजों और मराठों के बीच में हुई थी, आगल मैसूर की, सॉरी मराठा साम्राज्य के बीच बच्चों, मैसूर साम्राज्य, जिसमें टीपू सुल्तान बच्चों थे, टीपू सुल्तान, हैदर अली का पुत्र था टीपू सुल्तान, पहले हैदर अली से हुई, 1792 में बच्चों हो गई थी हैदर अली की मृत्यु, इसके बाद से टीपू सुल्तान ने लड़ाई लड़ी। टोटल 4 युद्ध हुए आगल मैसूर युद्ध। राइट आंसर देख लेंगे अगले प्रश्न का, कौन सा भोजन प्राकृतिक रूप से विटामिन सी से रिच होता है, यानी अच्छा होता है, भरप होता है, भरपूर होता है? कौन सा भोजन प्राकृतिक रूप से विटामिन सी से भरपूर होता है, रिच होता है, फुलफिल होता है? चिकन, केला, ऑरेंज या दूध? और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी, ऑरेंज। नींबू होता तो हम नींबू को लगाते, ठीक है बच्चों, यहाँ पे ऑरेंज है, ये भी राइट है, सेकेंडरी। विटामिन ए के संबंध में किसके अतिरिक्त सभी सत्य हैं? विटामिन ए के संबंध में किसके अतिरिक्त सभी सत्य हैं? यह हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, गर्भावस्था में अधिक खुराक अपरूप जनक है, पूर्ण मेजल्स की रोग दर को कम करता है, पूर्ण दस रोग की रोग दर को कम करता है, राइट आंसर जाएगा 36 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट, यह हरे पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, भरपूर होता है बच्चों विटामिन ए, किसमें? हरे पत्तेदार सब्जियों में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे, एक नर्स को यह जानकारी होनी चाहिए कि केवल मक्का खाना डैश की ओर अग्रसर करता है, बेरी बेरी, एलेग्रा स्कर्वी या फ्राइनोडर्मा। और राइट आंसर हो जाएगा 37 का बच्चों, ऑप्शन बी, पेलेग्रा की ओर बच्चों। अगर आप रेगुलरली मक्का खाते हैं तो आप पेलेग्रा रोग से पीड़ित हो सकते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रणाशी रक्ताल्पता यानी पोर्निशियस एनीमिया किसकी कमी के कारण से होता है? बच्चों 24 का आंसर नहीं बताया था मैंने, 24 का राइट आंसर ए था बच्चों, सॉरी बी था, विटामिन ए, 24 का बी था, सॉरी बी था 24 का, और 38 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी, विटामिन बी ट्वेल्व इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, आंवला में अधिक मात्रा में होता है बच्चों,
विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन के? आंवला में अधिक मात्रा में क्या होता है? और इसका आंसर तो आप सबको पता है बच्चों, ऑप्शन ए इज द राइट, विटामिन सी। क्योंकि नींबू, आंवला, जितने भी खट्टी चीजें हैं, संतरा, इन सब में बच्चों आंवला में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है विटामिन सी। नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न भी, आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन श्रेष्ठ होता है? कहते तो हैं बच्चों वाइन पीने वालों को पूरी दुनिया देखने लगती है, तो शायद वाइन होता होगा, पर शराब यानी वाइन इसमें तो है ही नहीं, तो आपको विटामिन में से चूज करना है बच्चों। ऐसा करें बच्चों तुरंत, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों, ऑप्शन डी इज द राइट, विटामिन ए। आंखों की रोशनी के लिए बच्चों विटामिन ए जो है वो श्रेष्ठ कर होता है बच्चों। 36 पृष्ठ में थोड़ा गड़बड़ हुआ था, विटामिन ए बच्चों सभी एक बच्चों इसमें नहीं पाया जाता, मैंने उल्टा बता दिया बच्चों, एक्चुअली अभी ध्यान आया, किसी बच्चे ने कमेंट किया बच्चों ये इसमें नहीं पाया जाता है, इसमें आयरन वगैरह भरपूर मात्रा में पाई जाती है बच्चों, फाइबर वगैरह, लेकिन बच्चों इसमें विटामिन ए नहीं पाया जाता बच्चों। ठीक है, ठीक है। गर्भावस्था में अधिक खुराक अपरूप जनक होता है, पूर्ण मेल्जिल्स की रोग दर को कम करता है, पूर्ण दस्त रोग की रोग दर को, पूर्ण मतलब पर्याप्त मात्रा में बच्चों, पर्याप्त पर्याप्तता है, पर्याप्त मात्रा में। ठीक है, तो ये 40 क्वेश्चन थे बच्चों, सारे प्रश्न बहुत अच्छे हैं, आप रिविजन करते चलेंगे साथ में बच्चों, और कोई दिक्कत हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मतलब हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखेंगे अपना बच्चों। ओके बच्चों।